नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में हम हमेशा से नए परिवर्तन और सुधार करते रहे हैं। सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हमारे मोबाइल कोर्स के माध्यम से अपने विषय के डाउट क्लियर करने का अवसर प्राप्त होगा। अब तक आपको हमारे मोबाइल कोर्स में 240 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो, 12 ऑनलाइन किताबें तथा प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चंस मिल रहे थे। 15 मई 2020 से आपको इस कोर्स में प्रतिदिन एक नया वीडियो मिलेगा। यह नया वीडियो मोबाइल कोर्स परचेस करने वाले छात्रों के डाउट्स पर आधारित होगा। यदि आपने हमारा मोबाइल कोर्स परचेस किया हुआ है या आगे करने वाले हैं तो हम आपके प्रत्येक डाउट को अब यहां पर क्लियर करने वाले हैं। हम यह मानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह नई पहल वीडियो देखने की प्रणाली में एक नया परिवर्तन लाएगी और वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। इस वीडियो पर हम ज्योग्राफी के डाउट क्लियर करेंगे। देखिए, इस डाउट क्लियरेंस वाले पार्ट पर जाने से पहले ये पूरा वीडियो सीरीज किस पर आधारित है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये पूरा वीडियो सीरीज हमारा आधारित है मोबाइल कोर्स के डाउट क्लियरेंस पर। देखिए, जो बच्चे हमारे मोबाइल कोर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, जब भी वो किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का डाउट या किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं तो वो क्वेश्चन के रूप में हमसे प्रश्न पूछते हैं और हम उनके इस डाउट को क्लियर करके वीडियो के माध्यम से उन तक पहुँचा देते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है, जो प्रोग्राम है डाउट क्लियरेंस का, ये इसी पर आधारित है, हमारे मोबाइल कोर्स पर आधारित है। और इस पूरी सीरीज़ के इस भाग पर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से जो वीडियोस आए हैं आपने देखा होगा कि पॉलिटी के, हिस्ट्री के, छत्तीसगढ़ जीएस के, इकोनॉमी के क्वेश्चंस के डाउट क्लियर किए गए थे और इस वीडियो पर हम ज्योग्राफी के डाउट क्लियर करेंगे। तो कौन कौन से डाउट पूछे गए हैं वो मैं बोर्ड में यहाँ पर पहले लिख दिया हूँ ताकि जब आप वीडियो देखें तो वीडियो की शुरुआत से ही आपको पता हो कि किन किन टॉपिक पर चर्चा होने वाली है इस पूरे वीडियो पर। तो सबसे पहला जो डाउट पूछा गया है वो पूछा गया है आर्द्रता से संबंधित या फिर ह्यूमिडिटी से संबंधित। पूछा ये गया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या अंतर है, अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता में और सापेक्ष आर्द्रता में क्या अंतर होता है, तो उस पर प्रश्न पूछा गया है। लेकिन उसे हमने जोड़ दिया है COVID-19 के साथ भी, क्योंकि जब आर्द्रता पर डिस्कशन हो रहा है और इसी समय आर्द्रता से संबंधित COVID-19 की कुछ यहां पर जानकारी दी गई है तो बेहतर है कि इसी समय इसे भी जोड़कर देख लिया जाए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है चक्रवाती तूफान कैसे बनता है, अर्थात ओरिजिन कैसे होता है। मुख्य रूप से जो प्रश्न का यहाँ पर स्टेटमेंट था छात्र के द्वारा जो पूछा गया था, उस प्रश्न का स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि सर, चक्रवाती तूफान बनने के लिए किन भौगोलिक दशाओं का होना ज़रूरी होता है। एकदम ही आसान भाषा में अगर कहा जाए तो कौन सी वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया होनी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पर जहां पर ये साइक्लोन ओरिजिन हो, ये चक्रवाती तूफान ओरिजिन हो। अब जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है मानसून के आगमन को लेकर जो अनुमान लगाया जाता है अभी, क्योंकि हाल ही में मानसून के यहाँ पर जो उत्पत्ति होगी, जो आगमन होगा भारत पर, उस पर संबंधित IMD ने कुछ अनुमान या फोरकास्ट यहाँ पर प्रेडिक्ट किया है, तो उस पर आधारित प्रश्न है। और फिर उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है कि जो तटीय मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे कि आपको पता है कि भारत के पास में दोनों क्षेत्रों पर अर्थात पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में तटीय मैदानी क्षेत्र हैं, इनके मध्य अंतर क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत या फिर इस सीरीज की शुरुआत करते हैं सबसे पहले डाउट से, और पहला डाउट है आर्द्रता पर आधारित। तो सबसे पहले हम ये आर्द्रता शब्द का ही अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, आर्द्रता क्या होती है, तो आर्द्रता हवा में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है। मतलब कि जो एयर है, एयर पर मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर वेपर के जो कंटेंट होंगे उसे ही आर्द्र कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। ये दो प्रकार से देखा जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पर देखा जाता है, जो प्रश्न पूछा गया था छात्र के द्वारा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या अंतर होता है, तो हम उसी पक्ष पर चले गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या फिर ये हो गया आपका निरपेक्ष आर्द्रता। तो ये क्या होता है, तो इस समय आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका क्या अर्थ हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ कि एयर में
मॉइस्चर कंटेंट के वजन को देखा जा रहा है। आप ये देख रहे हैं ये जो यूनिट है ये किसकी यूनिट है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, और ये जो यूनिट है ये किसका है, वजन है, किसका, वाटर वेपर का। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जब आप कहें तो वजन कितना है वाटर वेपर का किसी एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम वाले एयर बैंड पर, ये दर्शाया जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से या फिर निरपेक्ष आर्द्रता से। और वही जब आप दूसरे प्रकार पर जाएं जैसा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हम इसे RS से भी शो करते हैं, हिंदी में इसे सापेक्ष आर्द्रता भी कहा जाता है। इस टाइम पर आपको परसेंटेज पर कुछ देखने को मिलेगा, इसका अर्थ यह है कि किसी भी एक एयर कंटेंट पर, एयर वॉल्यूम पर कितना परसेंटेज उसमें मॉइस्चर है। देखिए हर प्रकार की हवाओं पर तापमान के आधार पर आर्द्र ग्रहण करने की क्षमता होती है, और किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ही हवा कंटेन कर सकती है। जब उससे ज़्यादा हो जाता है अर्थात उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है मॉइस्चर कंटेंट, तो हवा उस पानी को छोड़ देती है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, या फिर आप उसे ही कह सकते हैं कि वर्षा होने के पीछे का कारण। जैसे मान लेते हैं, इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें, मान लेते हैं कि 90% कहीं पर आपको पढ़ने को मिला कि हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई एक टेम्परेचर है T1, और इस टेम्परेचर पर जितना मॉइस्चर कंटेंट कर सकती थी हवा, उस क्षमता का 90% इसने कंटेन कर लिया है। फिर से एक बार कह देता हूं कि मान लेते हैं कोई एक टेम्परेचर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यह हवा जितना मॉइस्चर कंटेन कर सकती थी उसका 90% यहां पर हवा ने मॉइस्चर कंटेन करके रखा हुआ है। इसे आप कह सकते हैं 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और जब यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए तो आप ये कहेंगे कि कोई एक ऐसा टेम्परेचर आ चुका है हवा का जहां पर अपनी क्षमता के आधार पर मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट वो एयर करके रखा हुआ है। और अगर इस 100% से ज़्यादा अगर वहाँ पर मॉइस्चर पहुँचने का प्रयास करे तो हवा क्या उसे ग्रहण कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, और उसे छोड़ देगी, और उसे हम कहेंगे कि प्रेसिपिटेशन हो गया या फिर वर्षण हो चुका है। तो इस पॉइंट पर अर्थात ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है उसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद अब हवा मॉइस्चर कंटेन नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के बीच का क्या रिलेशन होता है। देखिए अगर किसी जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ की जो हवा रहेगी वो हवा भी गर्म रहेगी, गर्म हवा अर्थात हवाएं एक्सपांड करेंगे, उनके मॉलिक्यूल दूर रहेंगे, मॉलिक्यूल दूर रह गए अर्थात उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करने का जगह मिल चुका है, अर्थात वहाँ पर वाटर वेपर ईजिली आ सकता है। तो अगर किसी हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होगा अर्थात बहुत अधिक मात्रा पर वो मॉइस्चर कंटेन कर सकता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे हवाओं के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा और मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी जो होगा, जो क्षमता होगी उस हवा की, वो कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे जब हवा ठंडा होने लगता है तो उसके मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। ये आप समझ लीजिए कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगेगी। अब इसे हम कनेक्ट करते हैं वर्षा के साथ में। हमने ये जाना है, आपको नहीं जानते तो मैं फिर से बता देता हूं कि सामान्य रूप से जब धरती से हम ऊपर की ओर उठेंगे तो हवाओं का टेम्परेचर कम होने लगता है, जिसे आप लैप्स रेट कहेंगे, जिसकी रेट होती है 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो जैसे आप मान लीजिए ये सतह है और सतह से ऐसे ऊपर आएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के दर से तापमान कम होने लगता है। तो मान लेते हैं कि अगर इस स्थान पर टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मान लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% दिख रहा है। इसका ये अर्थ है कि जितना ये हवा मॉइस्चर कैरी कर सकती थी उसका 40% इसके पास मॉइस्चर है, लेकिन जैसे ऊपर आप पहुँचे और T2 पर पहुँचे तो ठीक इसी हवा का या यहीं पर इसी स्थान पर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% देखने को मिलेगी। इसका ये अर्थ है कि मॉइस्चर जो था वो तो उतना है ही हवा के पास में, लेकिन टेम्परेचर कम हो जाने के कारण उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो मॉइस्चर तो उतना ही था लेकिन कैपेसिटी कम हो गई अर्थात 60% उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच गई। और जब इसी प्रकार जब हवा और ऊपर तक जाएगी तब एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये 100% हो जाएगा टेम्परेचर T3 पर,
इसका ये अर्थ है कि मॉइस्चर जो यहाँ पर था, जो सतह पर मॉइस्चर था, वही मॉइस्चर ऊपर ही है, लेकिन उस हवा की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है क्योंकि तापमान कम हो गया है, और उसके बाद होगा आपका सघनन की प्रक्रिया या फिर कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी होती है आर्द्रता के पीछे, ये प्रेसिपिटेशन को समझाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात ये आती है कि कोविड 19 के साथ में हम इसे कैसे जोड़कर देख रहे हैं, तो इसके संबंध पर हम MIT द्वारा दिए गए एक रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक शोध किया, उस शोध में ये बताया कि जिस स्थान पर तापमान ज़्यादा होगा और आर्द्रता भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर कोरोना वायरस के प्रसार की जो यहाँ पर गति है उसका प्रभाव कम होगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी। और इस आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मॉनसून टाइम पर जो कोरोना का प्रभाव है, जो विस्तार प्रभाव है, वो थोड़ा कम पड़ सकता है, क्योंकि मॉनसून काल पर तापमान भी ज़्यादा होता है और आर्द्रता भी ज़्यादा होता है भारत में। लेकिन ये एक थ्योरी है, अब ऐसा नहीं हो तो मुझे कमेंट करके नहीं कहिएगा कि सर आपने बोला था मॉनसून में कोरोना कम हो जाएगा या मर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए ये शोध है, कई प्रकार के शोध आ चुके हैं और शोध आएंगे, लेकिन हमको जानकारी रखनी होगी क्योंकि हमारे विषय से आधारित है, हमारे परीक्षा में ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आर्द्रता समझा, आर्द्रता के इस्तेमाल से हमने ये समझा कि कैसे तापमान के गिरते गिरते हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता हुआ देख सकते हैं और कंडेंसेशन कैसे होता है। और ठीक फिर इसी आर्द्रता पर आधारित जो यहाँ पर शोध किए गए कोविड को लेकर, उस पर भी हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली। अब हम दूसरे डाउट पर चलते हैं और वो आधारित है चक्रवाती तूफान अम्फान पर। अगला प्रश्न है साइक्लोन पर, चक्रवाती तूफान पर। प्रश्न पूछा है छात्र ने, वह यह पूछा है कि सर चक्रवाती तूफान बनने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज आप अम्फान से लेकर भी न्यूज़ बहुत सारा देखेंगे और आगामी कुछ दिनों तक ये न्यूज़ में बना रहेगा। तो बेसिक यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो बेसिक अगर हमें जानकारी में होगा, हमारे जानकारी में होगा, तब आगे जो भी न्यूज़ पेपर पर हम जानकारी पढ़ेंगे, जो भी न्यूज़ चैनल पर हम पढ़ेंगे, तो हमारी समझ और अधिक स्तर पर विकसित होगी। तो चलिए साइक्लोन पर आते हैं। तो सबसे पहले अब चक्रवाती तूफान पूछा गया है, लेकिन मैं यहाँ पर जो चक्रवाती तूफान के बारे में बताने वाला हूँ वो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान के बारे में बताऊंगा, अर्थात ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। टेम्परेट साइक्लोन या फिर मिड लैटिट्यूड पर जो साइक्लोन बनता है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका प्रभाव आपके देश में, भारत में देखने को नहीं मिलता इतने वृहद तौर पर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चक्रवाती तूफान को लेकर महत्वपूर्ण भौगोलिक दशाएं कौन कौन से यहाँ पर क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये जो चक्रवाती तूफान बनता है वह पानी में बनता है, ये सागर में बनता है। आएंगे कि ऐसा क्यों होता है, सागर पर ही क्यों बनता है, हम उस पर भी आएंगे। फिर जब हम दूसरा जो यहाँ पर क्राइटेरिया हम देखते हैं, तो दूसरा क्राइटेरिया ये दिखता है कि कम से कम तापमान यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। सागर के पानी का तापमान कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए इस चक्रवाती तूफान के ओरिजिन के लिए, उत्पत्ति के लिए। जो तीसरी यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी या फिर क्राइटेरिया होनी चाहिए वो होनी चाहिए ITCZ की उपस्थिति। ITCZ क्या है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये वो क्षेत्र होगा। देखिए डाउट क्लियर हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, और अगर पता नहीं है तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख लेंगे, या फिर अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस ITCZ की कहानी को समझ सकते हैं जाकर किताब में भी हमारे। देखिए ITCZ क्या होगा, तो ये एक वायुदाब की पेटी होगी। इस वायुदाब की पेटी पर आप देखेंगे कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं, उनका अभिसरण होता है, इसलिए इसे कन्वर्जन जोन कहा जाता है। और इंटर ट्रॉपिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों जो पवनें हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल क्षेत्र से आ रही होती हैं। तो इसे
ITCZ के नाम से पुकारा जाता है। अब इसकी एक खास बात यह है कि यह निम्न वायु दाब की पेटी होती है, अर्थात ये जहां पर भी बना होगा या फिर जहां पर भी ये दोनों ही पवने अलग अलग गोलार्ध से जब आकर कन्वर्ज होंगी, उनका अभिसरण होगा, यहां पर लो प्रेशर बना होता है और ये वहां पर बना होगा जहां पर सूर्य ठीक इसके ऊपर या फिर परपेंडिकुलर अबाउ द सरफेस होगा। तो जैसे जैसे सूर्य अपनी स्थिति पृथ्वी पर बदलते रहता है, इस ITCZ की स्थिति भी सूर्य के साथ साथ में बदलते रहती है। तो ITCZ की उपस्थिति उस सागर वाले भाग पर या फिर जहां पर चक्रवात का उत्पत्ति होने वाली है वहां पर इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहां पर रोल प्ले करने वाला जो क्राइटेरिया है वो है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया मैंने बताया कि यहाँ से फिर साइक्लोन बनेगा। फिर उसके बाद चलिए इसके साइक्लोन के फॉर्मेशन को जरा हम समझ लेते हैं कि ये आखिर ऐसा होता क्या गया है। तो उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ों को मिटाना पड़ेगा ताकि स्पेस बने समझाने के लिए। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लिख लेंगे, लिखे नहीं होंगे तो आपको याद होगा कि हमने कौन कौन से क्राइटेरिया यहां पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो हमें ये चक्रवाती तूफान यहां बनता हुआ दिखेगा। मन में सवाल आएगा कि सर ये अरेबियन सागर पर क्यों नहीं बन रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, अरेबियन सागर पर भी बन सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम साइक्लोन होते हैं वो बे ऑफ बंगाल पर बनते हैं, या फिर इसे और स्पष्ट तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो भी महाद्वीप होंगे उन महाद्वीपों के जो पूर्वी वाला भाग होगा, जो पूर्वी सागर क्षेत्र वाला भाग होगा, वहां पर हमें साइक्लोन की उत्पत्ति होते हुए दिखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर सामान्य तौर पर कोल्ड ओशन करंट प्रभावित होते हैं, अर्थात जब आप ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, जब सागर के पानी का विस्थापन आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो आपका महाद्वीप होता है, चाहे वो आपका इंडियन कॉन्टिनेंट हो, चाहे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, हर कॉन्टिनेंट के पश्चिम वाले भाग पर हमें कोल्ड करंट देखने को मिलेगा या फिर ठंडा पानी देखने को मिलेगा। तो हमें क्योंकि चाहिए कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान, तो वो हमें मुख्य रूप से पूर्वी वाले भाग पर देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर कोल्ड करंट नहीं होते। तो इस प्रकार से बे ऑफ बंगाल पर हमें बनता हुआ दिखेगा। अब ये तापमान यहाँ पर कब आएगा, जब ITCZ की उपस्थिति यहाँ पर बनेगी। ITCZ की उपस्थिति यहाँ पर कब बनेगी, जब इसके ऊपर रहेगा सूर्य। अब सूर्य यहाँ पर कब आ सकता है, तो दो बार आ सकता है साल भर में, और वो पहला तो ये है कि जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति पर हो, नॉर्थवर्ड मूवमेंट पर हो, अर्थात कर्क रेखा की ओर जा रहा हो। कर्क रेखा, जैसा कि आपको पता है कि भारत के मध्य से लगभग ये रेखा गुजरती है, तो जब सूर्य कर्क रेखा की ओर जा रहा होगा तब अपने सफर पर वो इस वाले भाग के ऊपर से गुजरेगा। ये उत्तरायण की स्थिति होगी, अर्थात ये आपका मार्च के बाद और जून के पहले की स्थिति होगी, जो स्थिति अभी बनी हुई है। तो इस स्थिति पर आपको ITCZ यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। दूसरी स्थिति आपको कब देखने को मिलेगी, जब ITCZ नीचे जा रहा होगा, अर्थात जून के बाद, अर्थात सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको ये साइक्लोन की स्थिति बनते या फिर ये तापमान बनती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ITCZ आ जाता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये आपने समझ लिया कि 27 डिग्री सेल्सियस क्यों ITCZ की स्थिति आ गई, कब कब होता है साल भर में, तो उसका भी हमने अनुमानित समय आपको बता दिया। तो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान बन चुका है। अब यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर। देखिए तापमान जब ज़्यादा हो जाएगा तो हवाएँ सतह से ऊपर की ओर उठेंगी, अर्थात हवाओं के द्वारा सतह पर बल नहीं लगेगा, बल ऊपरी दिशा पर, विपरीत दिशा पर लगेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स है वो नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस क्षेत्र पर लो प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। अब जैसे ही लो प्रेशर यहाँ पर बना, तो हर तरफ से हवाएं इसके तरफ आ जाएंगी, अर्थात हर उच्च दाब या हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर के पास में एयर आने लगेगी। तो मान लेते हैं कि ये आपका बे ऑफ बंगाल पर लो प्रेशर बना हुआ है, अब हवाएं जो हैं हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से इसके तरफ आ रही हैं, अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि हवाएं क्या करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। तो जब हमने उत्तरी गोलार्ध में प्रभावित होंगी तो अपने दाहिने मुड़ती हैं, राइटवर्ड साइड में मुड़ती हैं। तो जिस प्रकार से ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगे, तो ये अपने राइट साइड में मुड़ने लगेंगी।
कुछ इस प्रकार से, और इनके संपर्क में आ जाने से यहां पर जो हवा रहेगा वो कुछ इस प्रकार से घूमने लगेगा। देखिए यहां पर ये हाई प्रेशर से ये हवा आया, इसका डायरेक्शन इस साइड हुआ, राइट वर्ड साइड मुड़ा, और ये वाला जो एयर था इसके कनेक्शन पर वो ऐसे घुमा। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि यहां पर आपको जो विंड देखने को मिलेगा, ये सर्कुलर मोशन देखने को जो मिलेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध पर जो ये तूफान का जो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने को मिलता है, देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर कोरिओलिस फोर्स काम कर रहा होता है। तो इतने सारे फैक्टर यहां पर आप देख लिए। अब बात ये आती है कि इसकी उत्पत्ति तो हो गई, अब जब इतनी चर्चा हमने कर ही ली है तो इसके डेवलपमेंट पर भी हम बात कर ही लेते हैं। तो डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा बोर्ड पर मैं नहीं ले जाऊंगा, इसे समझते हैं आराम से। देखिए सागर का पानी गर्म है, वहां से वाटर वेपर ऊपर उठेगा, क्योंकि गर्म हो गया तो वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, वो ऊपर उठेगा। तो इस समय पर हम लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को अब्सॉर्ब होता हुआ दिखेंगे। देखिए जब भी पानी से हवा में परिवर्तन होगा तो एक हीट जो है अपने साथ में ग्रहण किया होगा वो वाटर वेपर, जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। अब ये लेटेंट हीट जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर ऊपर जाने वाला है लो प्रेशर के कारण, ये ऐसे ऊपर आएगा, लेकिन ये सीधा ऊपर नहीं आएगा, इसका जो मूवमेंट रहेगा अपवर्ड साइड में वो स्पाइरल हुआ रहेगा, गोल घूमता हुआ ऊपर आएगा, क्योंकि कोरिओलिस फोर्स काम कर रहा है। तो जब ये ऊपर की ओर आएगा, तब मैंने आपको क्या बताया था आर्द्रता वाले क्वेश्चन पर, वो ये बताया था कि जैसे जैसे जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान गिरने लगता है, तो तापमान गिरेगा तो अब यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगी और अब वर्षा होने लगेगा। तो देखिए जब यहां पर वाटर वेपर जब ऊपर तक पहुंचा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई, तब मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाएगा ये हवा और यहां पर बारिश होगी। तो चक्रवाती तूफान क्या करता है, वर्षा लेकर आएगी। वर्षा कैसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। अब यह भीषण कैसे होता है, तो देखिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऊपर लेकर जब यह पहुंचा था, तो जिस प्रकार से पानी जब हवा पर तब्दील हुआ था तो इसने हीट अब्सॉर्ब किया था, ठीक उसी प्रकार से जब ये हवा पानी में तब्दील होगा, कंडेंसेशन होगा, सघनन होगा, तब हीट रिलीज होगी। हीट जो रिलीज होगी, क्योंकि हीट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, जब ये अब्सॉर्ब हुआ था तो रिलीज भी होगा, तो यहां पर हीट रिलीज हो गई कंडेंसेशन वाले टाइम पर, जिसे आप लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहेंगे। और ये जो रिलीज्ड हीट है ये फिर से वहां पर हवाओं को क्या करेगा, गर्म करेगा और ऊपर की ओर लेकर जाएगा। तो जब तक सागर पर यह प्रक्रिया चलते रहेगी कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को उसने अपने में अब्सॉर्ब किया, ऊपर जाकर फिर उसने रिलीज किया और इस प्रकार से फिर हवा उठा, तो जब तक सागर में रहेंगे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जब तक चक्रवाती तूफान को ये पानी का स्रोत मिलता रहेगा, ये भीषण होता रहेगा, ताकतवर होता रहेगा, और जैसे ही ये धरती पर पहुंचेगा और इसे अब पानी या फिर स्रोत नहीं मिलेगा, तो ये धीरे से फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए चक्रवाती तूफान काफी अंदर भूभाग तक भारत के प्रवेश नहीं करता, तटीय क्षेत्रों तक सीमित रह जाता है। लेकिन अभी जो अम्फान चक्रवाती तूफान है उसकी अगर आप बात करें, तो ये आप देख रहे होंगे कि सुंदरबन डेल्टा के आसपास में वो लैंडफॉल करने वाला है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो उस डेल्टा पर अगर नदी को इस चक्रवाती तूफान ने पकड़ लिया तो काफ़ी अंदर तक भारत में ये प्रवेश कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा विध्वंस भी ये मचा सकता है। तो हमने क्या समझा, तो चक्रवाती तूफान बनता कहाँ पर है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए, ज्योग्राफिकल दशाएँ क्या होनी चाहिए, उसके बाद उसकी उत्पत्ति देखा, उत्पत्ति देखने के बाद हमने उसका डेवलपमेंट देखा, और उसके बाद हमने देखा कि इसका डेथ कैसे होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनका नामकरण कैसे होता है, कैसे इनका नाम अम्फान रखा गया, इसके पहले डे रखा गया था, इसके पहले नीलोफर रखा गया था, उसके पहले कई सारे नाम के हमने यहाँ पर साइक्लोन्स देखे हैं, तो नामकरण कैसे होता है वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, और जो छात्र मोबाइल कोर्स से जुड़े हुए हैं वो मुझे मैसेज करेंगे अपने लॉगिन आईडी एंटर करके हमारे वेबसाइट पर। तो चलिए, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चक्रवाती तूफान के बारे में भी समझ लिया। अब आते हैं मॉनसून के अनुमान पर, प्रश्न पूछा गया। देखिए मॉनसून का जो अनुमान लगाया गया है वो ये है कि 5 जून के आसपास केरल के तट पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून आ जाएगा। अब बात ये आती है कि कई बार छात्र ये भी पूछते हैं कि सर जो मॉनसून है, मॉनसून के पीछे जो मुख्य कारक है वो सूर्य की स्थिति पृथ्वी पर, और सूर्य पूरे साल भर में पर्टिकुलर हर एक दिन पर फिक्स होता है कि कब कहाँ पर होगा।
तो जब सूर्य के आधार पर तापमान बनता है, तापमान की स्थिति के आधार पर वायु दाब बनता है और वायु दाब के आधार पर पवनों की दिशा निर्धारित होती है और पवनों की दिशा के निर्धारण से किसी भी क्षेत्र पर आर्द्र आते हैं और वर्षा होता है, तो फिर ये मॉनसून का आगमन हर बार अनुमान क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि अगर सारी चीज़ें सूर्य के साथ में ही जाकर चिपकती हैं तो सूर्य का तो पूरा पैटर्न फिक्स्ड है, तो मॉनसून भी फिक्स्ड होना चाहिए, अर्थात एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी तारीख को कहाँ पर बारिश या फिर मॉनसून होने वाला है। तो फिर ऐसा अंतर क्यों देखने को मिलता है? तो देखिए, उसके पीछे बहुत से सारे अलग अलग फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन अभी ये मॉनसून का अनुमान भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोविड के कारण। देखिए, जब मॉनसून का अनुमान लगाया जाता है आईएमडी के द्वारा, तो दो यहाँ पर मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक सांख्यिकीय या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड या फिर एक डायनेमिकल मेथड। अब ये सांख्यिकीय मेथड क्या होता है? तो सांख्यिकीय मेथड 2010 तक आईएमडी इस्तेमाल करती थी। इस मेथड पर जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का जो टेम्परेचर है और जो पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर है, उन टेम्परेचर का रिकॉर्ड किया जाता था। जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता था। और फिर उसके बाद जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं उसके टेम्परेचर या फिर उसके पिघलने के रेट को मेजर किया जाता था। और इन सारे अलग अलग फैक्टर को हम जब जोड़ लेते थे, एनालिसिस जब हम करते थे, तब हम ये अनुमान लगाते थे कि मानसून कब भारत में प्रवेश करेगा। लेकिन 2010 के बाद में हमने और ज़्यादा प्रिसाइज तरीका यहाँ पर चुना और वो था डायनेमिकल मेथड। इसमें एयरक्राफ्ट रिले डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एयरक्राफ्ट रिले डेटा क्या होता है? तो ये वो डेटा होगी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब विमान एक जगह से दूसरे जगह पर जब यहाँ पर उड़ती हैं, तो अलग अलग प्रकार के या फिर अलग अलग लैटिट्यूड से गुजरेंगी, अलग अलग तापमान वाले क्षेत्र से गुजरेंगी, अलग अलग वायुदाब वाले क्षेत्र से ये विमान गुजरते हैं। तो उस समय डेटा वहीं से रिकवर किया जाता है, डेटा वहीं से निकाला जाता है और फिर उसके बाद हम समझ जाते हैं कि कब हमारे देश में किस समय तापमान की कौन सी स्थिति बनेगी और किस तारीख को हम अनुमान लगा सकते हैं कि मानसून आएगा। लेकिन कोविड के कारण 24 मार्च से लगभग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है, घरेलू उड़ानें भी बंद हैं, तो जो रिले डेटा हम निकालते थे, एयरक्राफ्ट रिले डेटा का इस्तेमाल करते थे, वो इस बार हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम पुराने मेथड पर ही जा रहे हैं, सांख्यिकीय मेथड पर। तो हो सकता है कि उतना प्रिसाइज इस बार अनुमान ना हो। मैंने कहा है हो सकता है, अब एकदम 5 जून को ही केरल पर आ जाए तो कमेंट मत कर दीजिएगा अक्सर आप तो बोले थे नहीं आएगा, देखो देखो आ गया है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप एक मैच्योरिटी लेवल पर ये सारी चीज़ को समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सब्जेक्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे हम इतने एग्जाम को क्लियर करें, किसी प्रकार के विवाद के लिए इसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर और ये है तटीय मैदान में अंतर। तो तटीय मैदान अगर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र का अगर हम देखें, तो देखिए पूर्वी क्षेत्र पर जो हमें तट पर मैदान दिखेगा उसकी चौड़ाई ज़्यादा दिखेगी और पश्चिमी तट पर कम दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तट है या फिर जो मैदान है, वो मैदान बनता कैसे है? तो जो नदियां होती हैं, नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो अवसाद होते हैं, ये सागर से मिलने से पहले उन अवसादों को छोड़ देती हैं ये नदियां, या फिर डिपोजिशन कर देती हैं, उनका निक्षेपण कर देती हैं। तो जिस जगह पर आपको ऐसी नदियां दिखेंगी जो ज़्यादा सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं, ज़्यादा दूर से आ रही हैं, उस जगह पर आपको मैदान की चौड़ाई ज़्यादा दिखेगी। तो अगर हम पूर्वी क्षेत्र पर देखें तो आप ये देखेंगे कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो लगभग पश्चिम से उद्गमित होती हैं और पूरा मार्ग अपना बहते बहते पूर्व तक जाती हैं और फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी से मिल जाती हैं। तो इतने लंबे मार्ग पर बहुत ही ज़्यादा वो अपने साथ इरोडेड मटेरियल्स ग्रहण करती हैं, अवसाद ग्रहण करती हैं, और जब वो सागर से मिलने जा रही होती हैं, अपने निम्न क्षेत्र पर पहुँचती हैं, तो ये सारे चीज़ों को छोड़ देती हैं और फिर उसके बाद सागर से मिल जाती हैं। तो निक्षेपण ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र पर आपको मैदान की चौड़ाई ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पश्चिमी क्षेत्र पर देखें प्रायद्वीपीय भारत के, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर नदियाँ बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और मुख्य रूप से वो जब जाती हैं सागर से मिलती है, अरब सागर से मिलती हैं, तो बहुत ही बड़ी मात्रा पर उनके पास अवसाद नहीं होते, तो इसलिए उनके द्वारा निक्षेपण भी कम होता है और मैदान की चौड़ाई भी कम होती है। दूसरी जो विशेष बात हमको देखने को मिलती है वो है डेल्टा का फॉर्मेशन। देखिए डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा वही इरोडेड मटेरियल्स, इरोडेड पार्टिकल्स होते हैं जो सागर के पास में नदियां छोड़ देती हैं।
तो जब अगर आप पूर्वी वाले भाग पर देखेंगे तो आपको डेल्टा बनता हुआ दिखेगा, उदाहरण के तौर पर सुंदरबन डेल्टा। लेकिन अगर आप पश्चिमी क्षेत्र पर देखेंगे तो आपको डेल्टा बनता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि उसके लिए अवसाद चाहिए। लेकिन वहाँ पर अवसाद होते नहीं पश्चिमी भाग में बहने वाली नदियों का, तो वहाँ पर डेल्टा नहीं एस्चुरी मिलेगा, ज्वार नदमुख कहते हैं जिसे। अब ये एस्चुरी क्या होता है, तो मिक्सिंग जोन ऑफ रिवर वाटर एंड ओशन वाटर को आप एस्चुरी कह सकते हैं। तो डेल्टा मिलेगा हमें पूर्वी तटीय मैदान पर, पश्चिमी तटीय मैदान पर हमको एस्चुरी देखने को मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पर डेल्टा देखने को मिलेगा, तो डेल्टा के ही अलग अलग यहाँ पर जब और डेवलपमेंट होते हैं तो लगून लेक बनते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको इसी क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब आपको ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ पर मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा रिसोर्सेज भी आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो पूर्वी तट पर मिलेंगे, क्योंकि नदियाँ वहाँ पर रिसोर्सेज लाकर जमा कर दी हैं। तो ये मुख्य विशेषताएँ होती हैं, और बाकी विशेषताओं पर अगर आप जाएंगे, जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट होता है वो आप ये देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, कोरोमंडल कहाँ पर है, मालाबार कहाँ है, ये नामकरण वाली जानकारी आपको कहीं पर भी किताब पर मिल जाएगी। लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्ट था, जो बेस था, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी संबंधित जो डाउट आए थे वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, और ऐसे ही अन्य विषयों के भी डाउट आप पूछते रहें, जिससे आपका और हमारा दोनों का बेहतर लाभ सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।